जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए। हमला कल दोपहर श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हुआ। आतंकी सेना के काफिले की बस पर फायरिंग कर फरार हो गए। सेना के मुताबिक आतंकी बाइक से आए थे और उनकी संख्या 2 थी, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा पब्लिक थी, इसलिए खुल के सिक्योरिटी फोर्सेस फायर नहीं कर पाए। आज जो हुआ उसमें आर्मी वालों ने भी रिटेलिएट किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएट किया, टेररिस्ट वाज फोर्स्ड टू रन अवे। हमले में 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। आतंकियों ने बस ड्राइवर को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन सेना के मुताबिक जख्मी हालत में भी ड्राइवर ने बस को नहीं रोका, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। आसपास के इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। सरकार ने देश की सुरक्षा से जुड़ी 4 अहम नियुक्तियां की हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को नया आर्मी चीफ बनाया गया है, वो जनरल दलबीर सिंह की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अभी आर्मी के वाइस चीफ हैं। एयर मार्शल बीएस धनोवा चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, वे मौजूदा एयर चीफ मार्शल अरूप राहा की जगह लेंगे। वहीं सरकार ने राजीव जैन को आईबी जबकि अनिल धस्माना को रॉ की कमान सौंपी है। राजनीतिक दलों के खातों में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगने के मुद्दे पर सरकार ने सफाई दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट में राजनीतिक दलों के खाते की जांच को लेकर काफी प्रावधान है। सीबीडीटी के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को चंदे पर टैक्स में छूट है। एक तय समय के भीतर राजनीतिक दलों को चंदे के बारे में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपनी होगी। छूट तभी मिलेगी जब राजनीतिक दल अपने खाते का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे। राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा लेने वालों के नाम पते का रिकॉर्ड रखना होगा। राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 500 और 1,000 रुपए के नोट में हेराफेरी को लेकर सीबीआई ने आरबीआई की बेंगलुरु ब्रांच में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीनियर स्पेशल असिस्टेंट सदानंद नायका और स्पेशल असिस्टेंट एके केविन शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर बेंगलुरु आरबीआई के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर 1,99,00,000 रुपए के नोट गलत तरीके से बदलने का आरोप है। विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में फर्जी खातों के जरिए अवैध लेन देन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि नोएडा सेक्टर 51 की ब्रांच में 20 लोगों के नाम से फर्जी खाता खोला गया और इनमें करीब 60 करोड़ रुपए जमा किए गए। ईडी की टीम ने बैंक कर्मचारियों से फर्जी खाते को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देश भर से काले धन के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। ईडी ने पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ से एक टेलर के पास से 30 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिसमें 18 लाख नई करेंसी हैं। इसके अलावा पुलिस को दर्जी के पास से 2.5 किलो सोना भी मिला है। वहीं हैदराबाद में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 12 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। तो मुंबई के झावेरी बाजार में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने 4 सराफा कारोबारियों के पास से 70 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। सराफा कारोबारियों के 10 खातों में 100 करोड़ रुपए होने का भी खुलासा हुआ है। बीकानेर में जमीन खरीद के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के प्रतिनिधि महेश नागर को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने को कहा है। ईडी के समन को महेश नागर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। इस मामले में ईडी से पहले बीकानेर पुलिस भी महेश नागर को समन जारी कर चुकी है। महेश नागर ने पुलिस के समन को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर बीकानेर की कोलायत तहसील में 275 बीघा जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदने का आरोप है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुसीबत बढ़ सकती है। पंचकुला में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटन के मामले की सीबीआई जांच करेगी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कुछ दिन पहले जमीन आवंटन का केस सीबीआई को सौंपा। आपकी जानकारी के लिए वो सीबीआई को दे दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले दिया गया है और जल्दी सीबीआई उसकी इंक्वायरी करेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई से जांच के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया है। पॉलिटिकल वेंडेटा और वी चैंटिंग है कुछ नहीं उसमें। कोई ऐसा काम हमारी सरकार के समय हमने नहीं किया जो गलत हो। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ये जमीन साल 1982 के रेट पर आवंटित की थी। हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक हुड्डा सरकार के फैसले से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने अपनी सफलता को आगे बढ़ाते हुए तंजानिया के मुक्केबाज फ्रांसिस चेका को मात दे दी है। विजेंदर ने चेका को 10 मिनट के अंदर ही नॉकआउट कर दिया और पेशेवर मुक्केबाज के रूप में अपना अजेय अभियान जारी रखा। इसके साथ ही विजेंदर ने WBO एशिया पैसिफिक का अपना खिताब बरकरार रखा है।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के लिए भारतीय अमेरिकियों का शुक्रिया अदा किया है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में शुक्रिया रैली के दौरान ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी जीत में हिंदुओं का बड़ा योगदान रहा है। ये पहला मौका है जब ट्रंप ने अपनी जीत में भारतीयों की भूमिका को माना है। ट्रंप की इस रैली के दौरान बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिकी भी मौजूद थे।